पॉक्सो एक्ट की धारा 3 क्या कहती है? प्रवेशन लैंगिक हमला। इसको हम सरल भाषा में समझते हैं, कोई व्यक्ति किसी बालक के गुप्तांगों, शरीर के किसी भाग पर अपने गुप्तांगों या किसी वस्तु या किसी अन्य रूप से कोई हमला करता है या उनका प्रयोग करता है या उन गुप्तांगों में कोई वस्तु डालता है, शरीर का कोई अंग डालता है, या उस बालक से ऐसा करवाता है अपने साथ, किसी अन्य के साथ, अथवा बालक के गुप्त अंगों से मुंह लगाता है या अन्य किसी व्यक्ति के गुप्तांगों से मुंह लगाता है, यानी शारीरिक रूप से वो उससे छेड़छाड़ करता है, जिससे बालक असहज महसूस हो, गलत हो और उस व्यक्ति की नीयत ठीक नहीं हो, तब प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा। कोई भी व्यक्ति के अंदर बालक को, बालक मेल फीमेल हो सकता है, लेकिन अन्य व्यक्ति ऐसा करता है, उसमें कोई पुरुष, कोई महिला या कोई बालक किसी भी उम्र का शामिल है, बालक के साथ कोई बालक भी अपराध करता है तो वो भी अपराधी है। ऐसे अपराध की सजा धारा 4 के अंतर्गत किसी भी भांति का कारावास जो कम से कम 10 साल होगा और आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना भी किया जाएगा। यहां इस धारा को 2 भागों में बांट दिया है। एक वो बालक जो पीड़ित 16 साल से कम उम्र का है और एक बालक जो 16 साल का या उससे अधिक उम्र का है लेकिन 18 से कम उम्र का है। जो अभी मैंने सजा बताई थी वो 16 से 18 साल तक के बच्चे के संबंध में सजा है और 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ अगर अपराध ये किया जाता है जो मैंने अभी बताया, तो उसकी सजा मिनिमम कम से कम 20 वर्ष होगी, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और उसके साथ जुर्माना भी किया जाएगा। अब इसका गंभीर रूप हो, यानी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, जो धारा 5 में परिभाषित किया गया है, इसमें कोई भी व्यक्ति जो पुलिस का अधिकारी है, पुलिस से संबंधित सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य है, लोक सेवक है, किसी जेल का, रिमांड होम का, ऑब्जर्वेशन होम का कोई अधिकारी, कर्मचारी, किसी अस्पताल का कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, मैनेजर, किसी शिक्षण संस्थान का कोई अधिकारी, कर्मचारी, स्टाफ का कोई भी व्यक्ति, जिनकी सीमाओं के भीतर, जिनकी कस्टडी में, थाना में, यानी कि उस बालक पर इन व्यक्तियों का नियंत्रण है
और वो बालक इनकी कस्टडी में है अगर उसके साथ प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है, यानी उसके गुप्तांगों पर हमला किया जाता है, उसके शरीर से छेड़छाड़ की जाती है, इसके साथ कोई भी व्यक्ति जो सामूहिक रूप से गैंग रेप करता है, कोई व्यक्ति जो किसी हथियार से, किसी गर्म पदार्थ से, किसी साधन से, किसी भी तरह का हो, उसे हथियार के रूप में प्रयोग किया जाए, बच्चे पर हमला करता है और उसके गुप्तांगों में जबरन डाल देता है और उससे उसको नुकसान हो जाता है, शारीरिक रूप से क्षति हो जाती है, उसकी जननेंद्रियां जो ऑर्नामेंट हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, या मानसिक या शारीरिक रूप से बच्चा किसी तरीके से अशक्त हो जाता है, या किसी कारण से वो किसी रोग से, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके साथ संपर्क किया गया है जिसे एड्स है, एड्स रोग से संक्रमित हो जाता है, या इन कारणों से अगर वो बच्चा मृत्यु हो जाती है, या बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का, किसी दुर्बलता का कोई लाभ उठाते हुए उस पर इस तरह का हमला करता है, कोई भी बच्चा जो 12 वर्ष से कम उम्र का है, पहली धारा में 16 से कम थी, अब इसको यहां 12 से कम कर दिया गया है, 12 से कम उम्र का है उस पर यह अपराध किया जाता है, ऐसा कोई घर का व्यक्ति जो बच्चे की देखभाल कर रहा है, बच्चे का नातेदार है, रिश्तेदार है, या उसके पिता माता से कहीं परिचित है, अथवा ग्रह गृहस्थी में शामिल साझेदारी के रूप में रह रहा है, वो व्यक्ति या बच्चे की सेवा प्रदान करने वाला कोई संस्था का स्वामी, कोई नौकर, कोई भी व्यक्ति, या बालक पर किसी तरह का प्रवेशन लैंगिक हमला करने के बाद उसकी हत्या का कोई प्रयास करता है और वो इस तरीके का प्रयत्न करता है कि उससे उस बच्चे की हत्या हो जाए, या कोई भी व्यक्ति जो सामूहिक हिंसा में या किसी धर्म या प्राकृतिक आपदा, किसी विपत्ति में, किसी ऐसी स्थिति में जो परेशान हैं लोग, कोई विपत्ति आई हुई है उसमें कोई बच्चे पर लैंगिक हमला किया जाता है, तब वो व्यक्ति इस अपराध का, गुरुतर अपराध का दोषी है। ऐसा कोई व्यक्ति जो बच्चे को इस तरह का कुकृत्य करने के बाद निर्वस्त्र घुमाता है, नंगा कर देता है, सार्वजनिक रूप से इस तरह की हरकत करता है, तो वो व्यक्ति लैंगिक अपराध का दोषी है, गुरुतर अपराध का दोषी है। ये धारा 3 से अधिक गंभीर है, इसमें बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया है, इसकी सजा भी अधिक है। ऐसा व्यक्ति गुरुतर प्रवेश लैंगिक अपराध का दोषी होगा और इसकी सजा धारा 6 में कम से कम 20 वर्ष की सजा होगी, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, या ऐसे व्यक्ति का कुकृत्य इतना जघन्य है, इस तरीके से बच्चे पर अपराध किया गया है कि वो तरीका बहुत खतरनाक है, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड से भी दंडित किया जा सकता है। धन्यवाद।